नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीज़न को उपेक्षित रखे जाने संबंधित बात किसी से छुपी नहीं हुई है। जनप्रतिनिधि लगातार अपने क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में हर वर्ष नांदेड़ में होने वाली दक्षिण मध्य रेलवे की सांसदों के साथ बैठक इस वर्ष औरंगाबाद में आयोजित की गई, जो कि काफ़ी गहमा गहमी भरी रही। इस बैठक में 3 सांसदों व विधायकों सहित कुल 11 जनप्रतिनिधियों ने रेलवे विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। इस बैठक में रेल राज्य मंत्री श्री दानवे जी ने अध्यक्षता की तथा डॉक्टर कराड़ औरंगाबाद सांसद व राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान तथा परभणी के सांसद श्री संजय जाधव जी उपस्थित थे। इसके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर श्री गजानन मालिया, नांदेड़ डिवीजन के DRM श्री उपिंदर सिंह सहित रेलवे अधिकारियों की मुख्य उपस्थिति थी। वहां मौजूद 3 सांसदों ने दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा मराठवाड़ा के साथ हमेशा अन्याय करने का आरोप लगाया तथा नांदेड़ डिवीजन को मध्य रेलवे में शामिल करने की मांग की। वहीं प्रमुख रूप से बात करें हम औरंगाबाद के मामलों में, सांसद श्री जलील जी ने कड़ा रुख दिखाया तथा उन्होंने कहा कि औरंगाबाद से संबंधित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता आया है तथा रेलवे केवल अपना फायदा देखते हुए मराठवाड़ा के औरंगाबाद क्षेत्र की परियोजनाओं को अस्वीकार कर देता है, जबकि यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मार्च महीने में संसद में हुए रेल बजट पर चर्चा में भी उन्होंने यही बातें कही थी जो बैठक में कही है। खास तौर पर उन्होंने औरंगाबाद के शिवाजीनगर क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने की लंबित मांग को लेकर काफ़ी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त मामले में राज्य सरकार के द्वारा अपना अंशदान दे दिया गया है, लेकिन रेलवे के द्वारा कार्य शुरू नहीं करवाया जा रहा है तथा एक महीने के भीतर यदि उक्त शिवाजीनगर ओवरब्रिज का कार्य शुरू नहीं होता है तो रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्र की रोते गाँव कोपर गाँव 22 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को तथा औरंगाबाद 40 गाँव रेल लाइन सहित औरंगाबाद के लिए जरूरी रेलवे सुविधाओं के बारे में बात कही। वहीं पिटलाइन के मुद्दे पर रेल राज्य मंत्री श्री दानवे जी ने जमीन की अनुपलब्धता की बात दोहराई तथा उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर कराड़ तथा सांसद महोदय श्री जलील जी यदि जमीन उपलब्ध करा देते हैं तो एक महीने के भीतर निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मनमाड़ से नांदेड़ तक विद्युतीकरण का कार्य 2023 में पूरा करने का दावा किया। औरंगाबाद सांसद श्री जलील जी ने दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा किए जा रहे विद्युतीकरण की तुलना अपने क्षेत्र से की कि मात्र 35 किलोमीटर का कार्य दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ डिवीजन द्वारा किया जा रहा है, जो कि कुल काम की तुलना में 1% से भी कम है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उन्होंने उक्त बैठक को केवल फॉर्मेलिटी बताया कि पिछली बार जो बैठकें हुई उनके भी कोई नतीजे आज की तारीख तक नहीं निकले हैं, फिर इन बैठकों का क्या मतलब रहेगा। मौजूद 3 सांसदों के द्वारा कोंकण रेलवे की तर्ज पर मराठवाड़ा में रेलवे के विकास के लिए मराठवाड़ा रेलवे डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने की मांग की। अध्यक्षता कर रहे रेल राज्य मंत्री जी ने उक्त सब मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बातें कही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या औरंगाबाद क्षेत्र सहित मराठवाड़ा के रेलवे विकास में कोई तेजी आएगी या वही सब पहले जैसा ही चलता रहेगा। आगे हम आपको राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान तथा परभणी सांसद श्री संजय जाधव जी के द्वारा उठाई गई मांगों पर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप सभी का धन्यवाद।